वेलकम टू फ्रेंड न्यू वीडियो। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया माइक का। जैसे कि फ्रेंड हमने यह माइक लिया था मार्केट से 110 रुपये का था, आप लोग उसका वीडियो देखे होंगे। फाइनली गाइस हमने बोया M1 माइक परचेज कर लिया। तो फ्रेंड आज इस बोया M1 माइक का हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमने बोया M1 माइक फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जिसका प्राइस पड़ा है दोस्तों 1140 रुपये। आप देख सकते हैं यह इसका स्टिकर है। तो फ्रेंड्स हमने एक बार यह खोला था, मगर दोबारा आपके लिए खोल रहे हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं हम। तो फ्रेंड जैसे कि आपको कुछ ऐसा एक बिल मिलेगा और ये हमारा ये पूरा इसमें वो था स्टिकर दिया होगा दोस्तों, ये आपको हम दिखा देंगे। उसके बाद आपको ये देखिए बोया माइक का ये मिलता है केबल। अभी मैं इसे रख देता हूँ, इसका साउंड भी आपको सुनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा ये बॉक्स मिलेगा, उसके बॉक्स के अंदर यह बॉक्स मिलेगा आपको, और आपको कुछ ये देखिए एक जैक मिलेगा और एक साफ करने वाला वो मिलेगा फ्रेंड। इसे साफ करना ये जो DSLR के लिए यूज होगा फ्रेंड, इसका एक वीडियो और आ जाएगा कैसे बोया माइक यूज करते हैं फ्रेंड। तो इसे मैं रख देता हूँ और फ्रेंड देख लीजिए यह कार्ड है, इसमें देखकर आप पढ़कर पूरा आप कर सकते हैं कैसे यूज करते हैं इसका। तो ये कार्ड है फ्रेंड। तो अब चलते हैं फाइनली गाइस हम बोया M1 माइक को अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख लीजिए इसमें दिया और इसका कवर काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसे हम अभी ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं बोया M1 माइक कुछ इतना बड़ा है आपका, मतलब अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर कोई माइक लेना चाहते हैं तो फ्रेंड अगर आपके पास बजट है तो ही बोया माइक लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। देखिए फ्रेंड बहुत बड़ा है, आप देख लीजिए इसमें एक जैक दिया है इतना बड़ा और ये मोबाइल में जैक दिया। तो फ्रेंड इसने हमने ख़रीदा है, मगर फ्रेंड आपको बता दें अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत खरीदिए। तो चलिए अभी इसका हम वॉइस आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो काफ़ी बड़ा केबल है, आपको केबल का लंबाई भी दिखाएंगे। तो चलिए इसका लंबाई हम दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड हमने इसे खोल दिया है फ्रेंड, और इसका ये पट्टा देख लीजिए, इस पर भी बोया M1 माइक लिखा है फ्रेंड। अगर आप इसे लेंगे तो बोया M1 का ही लेना, आपके मोबाइल और DSLR दोनों में सपोर्ट करता है। अब बात करें इसकी केबल की, काफ़ी ज़्यादा लंबा है फ्रेंड। तो आपको दिखा देते हैं अभी हम कितने दूर पर खड़े होकर यह वीडियो बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस केबल को हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इतना बड़ा केबल आपको 3.5 मीटर का मिल सकता है, और उससे ज़्यादा ही होगा फ्रेंड, कम नहीं है। हमने देख सकते हैं कम से कम हम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब इसकी ऑडियो क्वालिटी देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छी आ रही होगी फ्रेंड। अगर आपको लेना है तो फ्रेंड आप फ्लिपकार्ट से ले लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पहले हमारी ऑडियो कितनी ख़राब थी, अब कितनी अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड ऐसे ही आप बोया माइक खरीदिएगा जैसे कि हमने M1 बाई किया। अभी हम इसका बॉक्स दिखाया फ्रेंड, अब देखिए ये आपको एक कुछ गम मिलेगा, और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये DSLR में लगाना, और इसके साथ एक सेल है वो DSLR के साथ यूज किया जाएगा जो कि इसके अंदर रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना फ्रेंड, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो बनाता हूं। तो फ्रेंड इसी के साथ थैंक्स।